पहले हम ज्योमेट्रिक आर्ट पे बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे। तो मगर उससे पहले ये भी है ना कि जिस आर्टिस्टिक यूनिवर्स का हिस्सा है वो क्या है, तो उसमें हमें ये समझ पहले आनी होगी कि इस्लामिक आर्ट का क्या फंक्शन है। तो वो तो इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लिया। टू टेक द माइंड टू द इंटेलिजिबल वर्ल्ड, टू डिजॉल्व द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। तो ये जो गुम्बद है, मेरा तो ख्याल है बहुत सक्सेसफुली यही कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे लाइट जो है वो क्रिस्टलाइज हो गई है। इट इज डिफाइंग मैटर, अल्टीमेट मकसद तो यही है। पैटर्न से भी हम उस सरफेस को सरफेस नहीं रहने देते, वो कुछ बहुत ही इवन ये कोई ये मतलब है, इस्लामिक आर्ट का खासा है। ये अभी की बनी हुई है, लाहौर अंदरून शहर की, मगर इट्स रियली हैज ट्रांसफॉर्म दिस पीस ऑफ मेटल एज इफ आर्किटाइप्स हैव कम डाउन फ्रॉम अबव। क्योंकि खताती प्राइम वो है ना, नॉलेज का सिंबल। मगर ज्योमेट्री भी यही काम करती है कि सरफेस को उसकी मटीरियलिटी को डिसॉल्व कर देती है। पूरी की पूरी इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है, इस्लामिक जो ट्रेडिशन है, उसकी बुनियादी यूनिटी है तौहीद का कॉन्सेप्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे हर कल्चर, हर रिलीजियस सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल आइडिया होता है विच डिफाइंस एवरीथिंग इन इट। एक मिजाज, एक पर्सनैलिटी होती है। तो इस्लाम में तौहीद वो किरदार अदा करती है एज एन एब्स्ट्रैक्ट नोशन। बुद्धिज़्म में बुद्धा का होना बड़ा लाजमी है, क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट का होना बड़ा लाजमी है। हमारे यहाँ द आइडिया ऑफ यूनिटी इज़ नॉट अ पर्सन, नॉट अ सिंबल, इट इज़ जस्ट एन आइडिया। इसलिए इस्लामिक आर्ट इतनी एब्स्ट्रैक्ट है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सिंबल्स, इट इज़ बेस्ड ऑन एन आइडिया। तो ये इसका मिजाज इससे डिफाइन हो रहा है, चाहे कारपेट्स हो, जो भी हो, बर्तन हो उसमें। तो अब आर्ट में तो हमने विजुअली दिखानी है वो यूनिटी। तो आर्ट में जो है इसके दो हिस्से बनते हैं। एक आप समझ लो जो नज़र आ रहा है कि ज्योमेट्रिक हिस्सा है, इस अगर इमेज को देखो, एक ज्योमेट्रिक हिस्सा है और एक फ्लोरल हिस्सा है, प्लांट्स वाला हिस्सा है। तो ये दो चीज़ों की कॉम्प्लीमेंटेरिटी इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे एक दरख्त होता है, उसकी तने और शाखें होती हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट उसके पत्ते होते हैं। एक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, एक फ्लो का प्रिंसिपल है। एक म्यूज़िक का पीस होता है, उसमें एक बीट होती है और दूसरी फ्लो होती है जो ट्यून होती है। तो ये इतना एक कायनाती प्रिंसिपल है, पूरी कायनात इस पे बनी हुई है। एक सांस अंदर जाती है जो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, एक बाहर जाती है जो कि आपको पीसफुल होती है। पूरी कायनात इस का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इसको जिस तरह मर्जी कर ले, इतना बड़ा प्रिंसिपल है। मगर उस सबसे पहले ये जो पेज है, ये बेसिकली डबल पेज है कुरान का, ये भी जहन में रखा जाए। तो पहला, इस सबसे भी पहले प्रिंसिपल है कि हमेशा बॉर्डर होता है। आप देख इमेजिन कर सकते हो ना, जब ये पूरा होगा तो बॉर्डर हो जाएगा, वरना इस एक पेज का भी बॉर्डर है और इसके हर एलिमेंट का अपना बॉर्डर है। अब बॉर्डर से शुरू करनी चाहिए थी असल में बात। बॉर्डर जो है वो यूनिटी को डिफाइन करता है, एक होल कॉस्मॉस को डिफाइन करता है, क्योंकि जो इन्फिनिट है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है। गॉड इज इन्फिनिट, तो फाइनिट्यूड असल में हो ही नहीं सकता। अनलेस, अगर फाइनिट्यूड ना हो, कि पॉसिबिलिटी ना हो, तो फिर खुदा में कोई कमी वाकई हो जाएगी ना। सो हिज इन्फिनिटी डिमांड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनिट्यूड, इवन इफ इट इज इल्यूजरी। क्योंकि हम तो इन ए सेंस निगेट कर रहे हैं ना गॉड को, हम तो महदूद बीइंग्स हैं। सो ऑल वर्ल्ड्स आर बाय डेफिनेशन डीलिमिटेड। तो ये एक अजीब गरीब मिस्ट्री है, ये तकरीबन अनएक्सप्लेनेबल है कि अगर हम खुदा की रियलिटी पे सोचें तो ये दुनिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो लिमिटेशंस है। बट दैट इज हाउ क्रिएशन टेक्स प्लेस,
तो इसलिए वो यूनिटी डिलिमिटेशन होना लाजमी है। सारे वो तो सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स में आपको दिखेगी, चाहे वो चाइनीज हो, बुद्धिस्ट हो, वो बॉर्डर हमेशा होता है। एनीवे, सो बॉर्डर डिफाइंस अ यूनिटी, विद इन द यूनिटी देयर इज अ कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन अ ज्योमेट्रिक एलिमेंट एंड अ फ्लोइंग एलिमेंट। बस ये बात है। एट द एंड, एट द वेरी रूट, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इस पे बेस्ड हैं। गॉड इज वन, जो कि सेंटर भी हमें बता रहा है, मगर गॉड इज इन्फिनिट, तो वो सेंटर रिपीट हो रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि एक पैटर्न इन्फिनिट चलता जा रहा है, उसमें एक विंडो ले रहे हैं हम। तो एट द सेम टाइम, वे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये रूट है ना, एब्सोल्यूटनेस ये ज्योमेट्री रिलेट कर रही है, इन्फिनिट्यूड वो फ्लो रिलेट कर रहा है। इसको यिन यांग भी कह सकते हैं, मैन वुमन भी कह सकते हैं, समझे ना, मैस्कुलिन फेमिनिन प्रिंसिपल्स भी इसी पे है। फेमिनिन साइड पर फिर मर्सी वगैरह इस तरह करके, और अगर कलर्स में जाएं तो रेड वुड बी द एब्सोल्यूट, इन्फिनिट विल बी द ब्लू, एंड येलो विल बी देयर प्रोडक्ट होल। इसलिए कहते हैं गॉड, ऐसे जो भी लोगोस कहते हैं या नूरे मोहम्मदिया कहते हैं कि खुदा की जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी में है कि ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं उनको वो हर चीज़ को ह्यूमनाइज कर देते हैं ना, कि पुरुष एंड प्राकृति, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो डिवाइन इंटेलिजेंस लोगोस है, बुद्धि वो कहते हैं, जिससे बुद्ध है, यानी कि शुद्ध बुद्ध होना, अकल, इंटेलिजेंस वही हो गया ना। इसलिए इस्लामिक ट्रेडिशन में द फर्स्ट थिंग गॉड क्रिएटेड वॉज द इंटेलेक्ट, एंड फ्रॉम इन दैट उस, यानी कि दैट्स द फर्स्ट डिलिमिटेशन। तो वो जो येलो रंग है वो उससे रिलेट करता है, सन कह लें, सूरज, खैर जो भी, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मगर ये आप दोबारा इस पर आ जाएं कि ये इस तरह से बड़े बेसिक मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, पहले खुदा में हैं, तो इसलिए पूरी कायनात भी उन्हीं से मुरक्कब है। इसलिए कहा है ना, हमने हर चीज़ों को जोड़ों में बनाया है, क्योंकि देयर इज एन एसेंशियल कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद इन गॉड, इसका ये मतलब है। हम चंद्रक को देखते हैं, अपने आप को देखें, पहले हम बातें कर चुके हैं, अपने आप को देखते हैं ना, हमें एक ढांचा है जो नज़र नहीं आता, और जो हमारी फॉर्म है वो सब फ्लो में है, तो वो प्रिंसिपल कायनाती प्रिंसिपल है, कॉस्मिक प्रिंसिपल है, क्योंकि वो खुदा की ज़ात में वैसे ही। पोइट्री में भी यही था, एक उसका मीटर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर है और बाहर वर्ड्स जो है फ्लो में। तो इस्लामिक आर्ट ने उस प्रिंसिपल ही को सामने ले आए, कोई बंदा नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं है, कोई ये नहीं है, बल्कि उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं थ्रू ज्योमेट्री एंड प्लांट फॉर्म्स डायरेक्ट। काफ़ी ज़बरदस्त, इसको इस तरह सोचें तो मज़ेदार है। मगर एट अ फिजिकल लेवल इवन ज्योमेट्री जो है वो, ये स्नोफ्लेक्स हैं, वो कोई प्लैटिनम का है, माइक्रोस्कोप का इमेज है, आयंस का, ये कुछ और किसी चीज़ का है, मॉलिक्यूल है, जो भी ये पैटर्न है। मगर ये जो कोटेशन है वो इस तरह की फिजिकल चीज़ों के बारे में नहीं है, वो मानवीय है, कि सारी जो दुनिया है वो arithmetical, geometrical and musical relations पे मबनी है, and it resembles the unique system of a single man। ये लाजमा हो जाता है, रिवायती आदमी क्योंकि कायनात को उसके खालिक से अलग करके देख नहीं सकता, तो वो उसके जहन में भी कायनात पे जैसे बॉर्डर है, एक हारमोनियस होल है, और उसमें हारमोनी है, और नंबर्स प्रोपोर्शन, इसलिए वो कह रहे हैं। और यहाँ तक कि हमें फिजिकली भी चीज़ों में नंबर्स की झलक दिखती है, ये सारे हेक्सागनल हैं, सिक्स बहुत, हमने देखा ना कंपस भी सिक्स में ही डिवाइड करता है, तो पानी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो खुद ब खुद सिक्स में हो जाता है, मगर कोई दूसरा एक जैसा नहीं है। वंस अगेन इट इज़ एन इमेज ऑफ यूनिटी एंड इन्फिनिटी, ये इंडिविजुअल स्नोफ्लेक्स हैं। मस्जिद अजीज खान का वो है हाफ, वो जो आप तो पता है, ऐसे जो बड़ी सी आर्च होती है, हाफ डोम, मगर आप देखें तो इसको भी ज्योमेट्री की मदद से डिज़ाइन किया गया, वो एक सेंटर है और इस डोम पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स बनाए गए,
उनकी मदद से कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये सारे ना लैटिट्यूड्स पे लाए करते हैं स्टार्स, और फिर ये देखो ना एक इसमें ज्योमेट्रिकल ऑर्डर है, देखने में कैसे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मगर इसके अंदर एक ज्योमेट्रिकल ऑर्डर है। इख्वान सफ़ा कहते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। जो हमने अभी थोड़ी सी मेडिटेशन ही की थी, वो जो पहले हमने चीज़ बनाई थी उसको मानवीय तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें से देख कितनी चीज़ें खुली थी। इख्वान सफ़ा भी यही कह रहे हैं कि ज्योमेट्री और नंबर में ये पावर है कि वो हकायक को बड़ा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमने अभी खुद एक्सपीरियंस कर लिया। अगर आप उस मोल्ड में जाएं तो ये बात कुछ और से और हो जाती है। मानी होता है द एसेंस, स्पिरिट, मीनिंग, रियलिटी। तो जो रियलिटी आलम मानवियत वो खुदाई रेलम को कहते हैं। दैट द एसेंसेस एंड रियलिटीज ऑफ थिंग्स आर देयर हियर, दे आर एज इफ रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर। द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट ऑफ अ मिरर। नॉट द लिटरल और द आउटवर्ड फॉर्म बट द मीनिंग इन दैट सेंस। अब हम दुनिया में आ जाते हैं दोबारा, उस इंट्रो के बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स जो है ज्योमेट्री की, वो आपने एग्जैक्टली ये किया कि जो रेडियस था उसने सर्कल को 6 में डिवाइड कर दिया था तो वो हेक्सागन आ गया, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर, यही बातें हुई। हमने भी इन्हीं चीज़ों से काम किया आज। ये बुनियादी चीज़ें हैं। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन। वो ऊपर बने हैं, ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन। ये बहुत सारे हेक्सागन्स जोड़े तो कोई गैप नहीं बचता, ट्रायंगल्स जोड़े तो कोई गैप नहीं बचता, स्क्वायर जोड़े, ये टाइल लगी हुई है स्क्वायर, तो कोई गैप नहीं बचता, और कोई फॉर्म है, सिर्फ यही फॉर्म्स हैं जो इस तरह जुड़ सकती हैं और कोई गैप नहीं बचता, चारों डायरेक्शन में इक्वली सिमेट्री रहती है। और भी फॉर्म्स हैं मगर वो फिर इक्वली नहीं कवर करती। या देखते हैं क्या कहते हैं, विदाउट लीविंग एनी गैप्स, वंस अगेन दे बिकम वेरी फाउंडेशनल। हमने और जगह भी देखा ना, 3 or 4 फाउंडेशनल है। तो ये बेसिक, ये फिर वो तो बेसिक ग्रिड्स हैं, ये फिर मिक्स्ड ग्रिड है। मैं मीनिंग टू से कि एक ही एलिमेंट लें तो सिर्फ यही पॉसिबल है। ये भी मतलब है, किसी ने डिज़ाइन तो नहीं किया, अल्लाह की तरफ से है ना। रेगुलर कहते हैं जिसके चारों साइडें इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगॉन है। सो नेचर में बस ये 3 शेप्स हैं विच विल फिल बाय देमसेल्व्स विदाउट लीविंग एनी गैप्स। उसके बाद फिर और है जिसमें आप मिक्स करते हो तो फिर भी यही काम होता है कि वो भरा जाती है जगह विदाउट लीविंग एनी गैप्स। अब वो मैं पहले ज़रा गलत बात ठीक नहीं की थी, बात ये है पूरी बात कि दे आर दी ओनली सेल्फ रिपीटिंग फॉर्म्स विच कैन फिल। अभी हम थोड़ा सा अभी उस बात को आगे लेके जाएंगे। बेसिकली उधर से सारे पैटर्न्स की ग्रिड्स बनती हैं। 75% ऑफ द पैटर्न्स आप उनके पीछे या स्क्वायर ग्रिड होती है या ट्रायंगुलर ग्रिड होती है या हेक्सागनल ग्रिड होती है या मिक्स्ड ग्रिड्स होती हैं, और वो मिक्स्ड ग्रिड्स भी लिमिटेड हैं, वो 8 ही हो सकती हैं और हो ही नहीं सकती। अजीब मिस्ट्री है, मगर ट्रायंगल स्क्वायर की बुनियादी हैसियत के हवाले से ये बहुत मज़ेदार फैक्ट है कि अगर आप एक स्फेयर लें, थोड़ी देर 3D में आ जाते हैं, स्फेयर लें तो उसकी सरफेस को इक्वल डिवाइड करने के कुदरत में सिर्फ 5 तरीके। उस केस में उसकी सरफेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, उन जो उनके जो पॉइंट्स को अगर जोड़े तो ये सॉलिड एक बनता है, टेट्राहीड्रल, 4-sided सॉलिड। या 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उनके पॉइंट्स को सीधी लाइनों से जोड़े तो क्यूब बन जाता है, और 8 हिस्सों में डिवाइड होती है तो ऑक्टाहीड्रन बन जाता है, 12 हिस्सों में डिवाइड होती है तो ये डोडेकाहीड्रन, 12-sided पॉलीगॉन बनता है और इसकी साइड्स पेंटागन्स की हैं, और 20 हिस्सों में डिवाइड होती है तो इक्वल
इनको प्लेटोनिक सॉलिड्स कहते हैं। अब क्योंकि हर चीज़ पुराना आदमी उसकी मानवीयत के हाल से देखता था, तो ये चांस तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया। अव्वल इसमें मज़े की बात यह है कि ये ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और पेंटागन से बना। अब असल में 5 इंट्रोड्यूस हो गया। ये फिर एक और बहुत अहम नंबर है, सॉर्ट ऑफ 20% ऑफ पैटर्न्स जो है ना 5 में जाएंगे। अभी हम बड़ी बड़ी जब फैमिलीज डिस्कस करेंगे तो उसमें बेसिक फैमिलीज 3 और 4 से ही निकलती हैं, 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स, और फिर ये एक स्पेशल फैमिली है 5 की, क्योंकि ये बड़ा मिस्टीरियस नंबर है। 5 पेंटागन बनाना कोई नेचुरल ही नहीं बन जाता, उसमें गोल्डन कट की ज़रूरत होती है। तो पुराने लोगों ने क्या किया कि इनको 4 एलिमेंट्स से जोड़ा। ये अर्थ का सिंबल बन गया, ये फायर का, ये एयर का और ये वाटर का, वो जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं। और ये जो 5th है ये होल का, पूरे कॉस्मोस का, इसलिए इसमें 12 चल रहा है और पेंटागन चल रहा है जो कि ऊपर की बात है। और इसलिए इसका नाम भी क्विंट एसेंस है। क्विंट कहते हैं 5 को, एसेंस ये जो 4 एसेंसेस हैं, दैट्स द 5th एसेंस विच इज़ द रूट ऑफ, यानी हर चीज़ की रूट उससे ऊपर होती है ना। तो क्विंट एसेंस इज बियॉन्ड मटीरियलिटी, इट्स द सटल मैटर जिसमें से ये क्रिस्टलाइज होते हैं 4 एसेंसेस। एंड दे देन रिलेट टू द 4 आर्क एंजल्स विच आर द 4 फंक्शंस ऑफ द 1 डिवाइन स्पिरिट। आर्किटेक्चर में जहाँ से गुंबद होता है वो अगर स्पिरिट की निशानी है तो वो फिर 4 मेहराबे सी बनती हैं ऊपर, तो वो 4 आर्क एंजल्स हो गए। फिर नीचे क्यूब आता है जो अर्थ है। मिसाल तौर पर ये पूरी स्टोरी ऐसे ही चलती है, नहीं काफ़ी है फिलहाल। ये हम आ जाते हैं फिर मैथमेटिक्स पे। तो वो ऊपर जो है रेगुलर ग्रिड्स हैं विच आर मेड ऑफ वन एलिमेंट, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, उनको कहते हैं रेगुलर ग्रिड्स। एंड दे आर ओनली 8 सेमी रेगुलर ग्रिड्स पॉसिबल इन नेचर यूजिंग रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो 70 से भी ज़्यादा % ऑफ पैटर्न्स के पीछे ये छुपी हुई होती है। ये भी कंपस में ही से ही निकल आती हैं। बड़ा मज़े की इसकी जो इस्लामिक आर्ट में ये है कि देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक ऑफ थिंग्स है ना, नेचर ऑफ थिंग्स के जैसे साथ फ्लो कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है बल्कि नेचर में चीज़ें जो कि और कल्चर्स ने नहीं की। अभी ज्योमेट्री के अंदर ही था सारा कुछ। समझ आ गई बात? 3 जो हैं ये 12 साइडेड पॉलीगॉन्स को इस्तेमाल करके बनती हैं, 2 बल्कि इसमें ऑक्टेगन और स्क्वायर्स हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, सो दैट विल बी इट, तो आपको समझ आ जाएगी हाउ इट वर्क्स। वो ट्रायंगुलर ग्रिड है सिंपल, ठीक है। ये मुल्तान के उस्ताद की ड्राइंग है, उन्होंने भी पहले ग्रिड बनाई, इससे पता चलता है कि वो काम भी ऐसे ही करते थे। उस ग्रिड से फिर उन्होंने हेक्सागनल ग्रिड भी निकाल ली, देखो नज़र आ रहा, क्योंकि हेक्सागनल और ट्रायंगुलर एक दूसरे खुद ही बन जाती ना। और फिर उन्होंने जो आपने आज किया था उससे मिलती जुलती चीज़ की, और फिर ये लाइनें मिटा दी तो ये हवा में फ्लोट करने लगा, और फिर इनकी नोकें मिला दी, तो ये बहुत फैसिनेटिंग डिज़ाइन बन जाता। तो अगर कोई ये डिज़ाइन जाली में बना हो तो फिर आप बड़ा मिस्टीरियस लगता है ना, जबकि उसकी बुनियाद बड़ी सिंपल है। अब ये प्योरली ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी ये, हमने फिर ऑटो कैड पे उसको ड्रॉ किया। मिसाल दे रहा हूँ कि ट्रायंगुलर ग्रिड पे इस तरह के डिज़ाइन भी बनते हैं जो कि एज सच कंपस से तो नहीं बन रहे ना, ट्रायंगल से ही बन रहे हैं। इनके अलग अलग नाम है वगैरह, ये किसी किताब से लिया है। ये सेमी रेगुलर ग्रिड है। This semi-regular grid is made up of hexagons and triangles. ये green में दिखाया गया है। इस grid के centers को उन्होंने cross कर,
इस डिज़ाइन को बनाने के बहुत से तरीके, ये इन्होंने इस तरह उसको बनाया, तो ये 90 डिग्री पे क्रॉस करता है तो ये खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। ये टाइलेव के डिज़ाइन है, ये हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है और ये इससे बहुत बेहतर और आसान तरीके से बनता है। असल में ये ग्रिड है डोडेकागॉन्स, यानी कि 12, 4 और 6 स्क्वायर और हेक्सागन की, उसकी बुनियाद पे ये डिज़ाइन भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। ये मेरे उस्ताद की ड्राइंग है, लोक विरसा म्यूज़ियम के लिए उनका प्रपोजल था सीलिंग का, तो इसमें ये वाली ही ग्रिड यूज़ हुई है। इधर यू कैन सी इट कि 12 वाले में उन्होंने 12 पॉइंटेड स्टार बनाया है, 6 वाले में 6 पॉइंटेड स्टार बनाया है, बस बनता चला गया। ये फिर ऑक्टेगन्स पे बेस्ड है, ये अलग है, ये भी उन्होंने हमें सिखाया था। मगर कितने फर्क फर्क चीज़ें बन जाती है ना, वो देखो पीछे दिख रही है ग्रिड, दिस इज़ वॉट यू डिड टूडे। ये शमसा बना था, ये तीखा वाला बना था और ये पेटल बनी थी। फिर ज़ाहिर है हम आगे उसको ले जाते तो फिर यहाँ रिजल्टेंट और शेप्स बनती हैं, वो कल इंशाल्लाह वलीद साहब के साथ करेंगे। ये एक और ग्रिड है ट्रायंगल्स और हेक्सागन्स की, इससे ये पैटर्न तरह तरह के बन रहे हैं। ये आजकल की मतलब है, ये 10-15 साल पुरानी तस्वीर है सिंध की, नसरपुर की। अब हम आ गए टेंस फाइव, अब वो ख़त्म हो गया, फाइव्स में आ गए। जब फाइव्स को जोड़ते हैं तो वो ना गैप्स बनते हैं, चाहे ऐसे जोड़ें या वैसे जोड़ें, तो जो गैप बनता है उसकी शक्ल की भी टाइल बना लें तो मसला तो नहीं। कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है मगर कोई शेप है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये 10 में सबसे परफेक्ट ये बनता है शमसे वाला डिज़ाइन। दूसरों में ना ये स्टार्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 है ना और ये स्टार भी 5 है, तो ये इसके नेचर के ज़्यादा करीब है। तो इस डिज़ाइन में ये 5 पॉइंटेड स्टार परफेक्ट बनता है, 8 में, 12 में, 16 में वो डिस्टॉर्टेड बनता है। तो ये ऐसे डिटेल की बात है। और ये देखें, इस डिज़ाइन के दो होते, इसको कहते हैं तीखा और उसी का फैला वाला, ग्रिड एक ही है तो ये फैले वाले पे बेस्ड है। ये ईरान में बहुत इस्तेमाल होता है 10 वाला सिस्टम। तो ये आखिरी स्लाइड है इस सेक्शन की कि इस्लामिक आर्ट में ये ज्योमेट्री एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है थ्रू टाइम एंड स्पेस। वो पीछे दरवाज़ा है, कोई ममलूक दरवाज़ा है 400-500 साल पुराना कायरो का, ये मैंने ही तस्वीर ली है। ये तस्वीर है सरगोधा के करीब एक गांव है कोट पहलवान, उसमें 40s में ये बनी थी हवेली, ये उसकी छत है, ये भी उसी ज्योमेट्री पे है। ये आजकल की किताब है, ईरानियों ने छापी है उस्तादों से, वही सीख के तो उसको ड्रॉ किया है। यानी कि ओवर टाइम एंड ओवर स्पेस ज्योमेट्री इज़ अ कॉमन फैक्टर इन इस्लामिक आर्ट, क्योंकि ये इस्लाम के नेचर के बहुत करीब है, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट यूनिटी। ये एक रह गया था ऑक्टेगन्स की फैमिली, ऑक्टेगन्स को साइड बाय साइड भी जोड़ा और नोक टू नोक भी जोड़ा उससे, फिर ये काफ़ी स्क्वायर आसान होता है, तो इससे बड़े बड़े स्टैंडर्ड किस्म के डिज़ाइन आपने देखे होंगे जगह जगह, क्योंकि बनाने आसान होते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। इससे आगे आर्किटेक्ट्स को समझ नहीं आती, उनकी ट्रेनिंग में नहीं है ना। ये हमने एक दरवाज़ा डिज़ाइन किया था कंटोनमेंट में अलाउद्दीन रोड पर, ये एक वेरिएशन है ऑक्टेगन पे, ये देखो बीच में 8 पॉइंटेड स्टार है मगर उसकी एक वेरिएशन है। उसमें मज़े की बात यह है कि अगर इस पल्ले को अलग से देखें तो ये ऑक्टेगन्स है विद दी स्टार्स, इन दोनों को मिला के देखें तो ये सेंटर बन जाता है वो वाला। और जो आज बनाया था शमसा, नोके और पेटल्स, ग्रामर वही रहती है। इस डिज़ाइन में ये बड़ी फैसिनेटिंग है, कभी किसी की एकदम नज़र ओवरऑल पड़ेगी तो फैसिनेट होगा कि ओ ये तो रीड कर रहा है और अकेला तो देख ही रहा है। ये किसी के लिए डिज़ाइन किया था 8 वाला मेथड, ये बना तो नहीं था मगर वो है सर्कल से बनाना जो आपने बनाया तकरीबन उसी स्टाइल से चल रहा है। और ये उस्तादों ने फिर शॉर्टकट्स भी बनाए होते हैं, ये मुल्तान के उस्ताद की ड्राइंग है, अब ये वैसे बात बता रहा हूँ, उन्होंने इसकी अप्रॉक्सीमेशन बनाई है थ्रू डिवाइडिंग इट इनटू 8 बाय 8। ये मेरे उस्ताद ने सिखाया था
ये हमने फिर अप्लाई किया है शामी रोड पे घर के बैल्कनी में, आप देख सकते हैं बड़े सिंपली कंपस से बन जाता है, स्क्वायर से बनता है, ऑक्टेगन्स एक दूसरे में कट कर रहे हैं। ये फिर पुराना ये चिन्योट में यही जालियों में आप देख सकते हैं, जालियों में ज़्यादा ट्रायंगल बेस्ड एंड देयरफॉर हेक्सागनल बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि उसको बनाना जोड़ना ये स्ट्रक्चरली भी काम देता है, खूबसूरत भी लगता है, आसान भी है, कंपस से तो फौरन बन जाता है। ये कंपस से ही बनाते थे, हमने इंटरव्यूज़ वगैरह किए, बहुत जल्दी ड्रॉ आउट कर लेते थे, वो मेटल कंपस होते थे, उनके बच्चों ने बताया कि पता नहीं वो ऐसे 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 करते थे फिर वो बन जाता, वो उनको समझ ही नहीं आती थी ये कितने से कंपस से ये कैसे बना लेते हैं हमारे दादे वादे। अब वो सब गुजर गए मगर उनके बच्चे हैं। ये मैं उस्ताद की ड्राइंग है लेफ्ट पे, बहुत ही फैसिनेटिंग है, इन इसको कहेंगे 8 6 12, ये 12 है, ये 8 है, ये 6 है, 8 pointed star 6 pointed star 12 pointed star और फिर पूरा एक मैश बन रहा है। इसमें भी आप हेक्सागनल ग्रिड देख पा रहे होंगे, असल में ये 12 है क्योंकि 6 और 12 का एक, ये भी ये सिंध नसरपुर की है काम। और पीछे 10th सेंचुरी कायरो इब्ने तुलून 900 की मॉस्क है, उसमें भी यही उसमें भी तो 6 का वो सिस्टम है जो हम पहले देख चुके हैं। पता नहीं क्यों दिखा रहा हूँ, अच्छा है, हरज तो कोई नहीं। अब मैं बेसिक टॉक ख़त्म हो चुकी है मगर इमेजेस नहीं ख़त्म हो रही। अच्छा ऊपर लिखा है वो 12 की ग्रेड है। ये एक शोभा है जिसका मुझे कुछ नहीं आता मगर ये भी डिज़ाइन में आता है, जिसको अरेबेस्क प्लांट फॉर्म्स कहते हैं। इसकी क्लास फ्राइडे को होती है, कोई इंटरेस्टेड हो तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। मगर ये इतना भी फ्री नहीं है, इसकी अपनी पूरी वोकैबुलरी है, आपको नज़र आ रहा है एलिमेंट्स हैं और इसमें भी रिदम है पोइट्री की तरह। ये थोड़ा सा जब देखते हैं तो इसका भी एक, मगर इसमें फ्लो ज़्यादा है, वो रिगर कम है, यानी कि ये वैसे ही बता, इसका अपना पूरा एक फ़न है। ये 13th century कुरान है कायरो का, बड़ा फेमस है, बहुत ही खूबसूरत है, इसमें लगता है जैसे मोती लगे हुए या कोई ना। आखिरी स्लाइड है कि भाई मकसद सारे का क्या है। आई हैव पुट ड्यूअलिटी अवे, आई हैव सीन दैट द टू वर्ल्ड्स आर वन, अभी जो बात हो रही थी, वन आई सीक वन आई नो वन आई सी वन आई कॉल, ये पढ़ी है मैंने पहले आपके लिए कभी पढ़ी है, हाँ तो फिर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुई अज खुद बदर करदम यके दीदम दो आलम रा, यके जूयम यके दानम यके बीनम यके खानम, सारी उर्दू है, समझ आ रही है ना। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन, ये कुरान शरीफ की आयत यूज़ की है मौलाना रूम ने। बजुज याहू व या मन हु कसे दीगर नमी दानम, के सवाए याहू ओ ही या ओ आई एम ही, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। तो यानी कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस भी वननेस का है। ये ग्रेनाडा का पैलेस है जिसका डोम था, ये वही पैलेस है, कह रहे हैं मकसद। हाँ इसमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि कैसे सर्फेसेस डिसॉल्व कर रही हैं और सेंटर हर चीज़ एक पीस भी है और यूनिटी भी है, क्योंकि कोर्टयार्ड है उसके बाउंड्रीज हैं, वो हम आर्किटेक्चर अलग है मगर बात मैसेज एक ही है तौहीद का, क्योंकि हकीकत भी यही है और मौलाना रूम और कुरान शरीफ भी वही कह रहे हैं कि हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर।